भाइयों बहनों, जैसे आप लोगों ने हमारे थंबनेल में देखा, आप लोगों को बता देना चाहते हैं, भारत सरकार की तरफ से ऐसी गाइडलाइन जारी की गई है जिसके अंतर्गत बैंक हो रहे हैं बंद, भारत सरकार कर रही है बैंकों को मर्ज, जिसके खिलाफ जो उनके कर्मचारी हैं उतर चुके हैं सड़कों पे। आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि भाइयों बहनों उन बैंकों में आपका भी खाता हो सकता है, आपके रुपए का क्या होगा, आखिर क्यों भारत सरकार ये बड़ा फैसला ले रही है, क्यों बैंकों का मर्ज कर रही है, और जो उनके कर्मचारी हैं क्यों हड़ताल कर रहे हैं, किन किन दिन अक्टूबर एवं नवंबर में हड़ताल होगी, किन किन दिन अक्टूबर एवं नवंबर में बैंक बंद रहेंगे, तो आप लोगों को बता देना चाहते हैं। पहली खबर निकल के आ रही है, निपटान ने अपने जरूरी काम, बैंक संगठनों ने किया हड़ताल का ऐलान। तो आप लोगों को बता देना चाहता हूं अक्टूबर में किस किस दिन बंद रहेगा बैंक और एवं किस किस दिन होगी हड़ताल की पूरी जो प्रिपरेशन है बैंक वालों की, आपको बता देना चाहता हूं। 27 अक्टूबर को तो दिवाली है, इस दिन आप लोगों को कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, आपको बता देना चाहता हूं। 26 अक्टूबर को जो है आपका चौथा शनिवार है, इस दिन भी बैंक बंद रहेगा, आपको बता दें। 22 एवं 23 अक्टूबर को जो बैंक वाले हैं वो अपनी हड़ताल पे जा रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। 29 और 30 को भी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल है, मतलब इतने दिन आपके बैंक बंद रहेंगे अक्टूबर में। आप बता दूं कि नवंबर में कब कब बैंक बंद रहेंगे, 2 नवंबर को, 4 नवंबर को और 8 नवंबर को बाहरी हड़ताल करने आ रही है जो बैंक के कर्मचारी हैं, बहुत बंपर हड़ताल करेंगे। और अब आके भारत सरकार ने यह फैसला क्यों लिया, आप लोग अगर नहीं जानते हैं, सरल भाषा में समझाऊं, SBI का जो घोटाला निकल के आ रहा है उसमें 76 लाख करोड़ का बड़ा घोटाला ऐसा निकल के आ रहा है, जो बैंक के कर्मचारियों ने, जो बैंक के मैनेजर थे, बैंक के MD थे, इन लोग ने खुद एक्सेप्ट किया कि जी हाँ हमने ऐसे लोगों को लोन दिया जिनसे वापस मिलने का पैसा वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी, तब भी हमने पैसा दे दिया, जिसके से भारत सरकार को 76 लाख करोड़ का सिर्फ जो नुकसान हुआ है भाई बहनों वो SBI से हुआ है। दूसरा बैंक आप लोग जान लीजिए, PMC बैंक, जी हाँ जो PMC बैंक था उसके MD ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी वजह से PMC को काफ़ी ज़्यादा घाटा हुआ, हमने ऐसे लोगों को, ऐसे उद्योगपतियों को पैसा दिया था जिनसे हमें पैसा वापस नहीं मिलना था, और ये पैसा लेके वो लोग विदेश भाग गए, बहुत से लोग सऊदी अरब चले गए। आप विजय माल्या ही को एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, 9,000 करोड़ का RBI का पैसा उसके पास है। आखिर सवाल ये है, जब वो एक बैंकक्रप्ट घोषित हो चुका था उसके पास 9,000 करोड़ कहां से गए। अब जो भाइयों बहनों भारत सरकार ने अपनी जांच की, इस पे पूरी एक टीम बिठाई, और जब पूरा पाया तो भारत सरकार भाइयों बहनों अचंभित हो गई, उन लोगों को जब पता चला पूरे भारत और उसके जो बैंक कर्मचारी हैं इनने नोटबंदी में भी इतना ज्यादा घपला किया है, इनने लोन के मामले में इतना घपला किया। आप लोग अगर नहीं जानते हैं, एक अगर गरीब व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा है वो, उसके पास टिकट नहीं है, उसको 2 साल तक की जेल हो सकती है, कितना जुर्माना लगेगा वो लोग आप लोग छोड़ दीजिए, लेकिन जब ये बैंक के कर्मचारी होते हैं ये लोग किसी गरीब व्यक्ति को लोन नहीं देते हैं, उसके योजना का पैसा आता है वो तक खा जाते हैं, ऐसे उद्योगपतियों को पैसा दे देते हैं जिनसे पैसा मिलने की उम्मीद नहीं होती है। अब भारत सरकार ने साफ साफ फैसला कर लिया, जो छोटे छोटे बैंक हैं जितने भी, जैसे ग्रामीण बैंक हो गया, सिंडिकेट बैंक हो गया, PMC बैंक हो गया, यस बैंक हो गया, देना बैंक हो गया, इन सबको मर्ज करके एक बैंक के अंदर डाल दिया। जितने भी छोटे छोटे बैंक में भाई बहनों, उनको बिगर बैंक के अंदर भारत सरकार डालने जा रही है, जिसके खिलाफ जो उनके कर्मचारी हैं वो उतर चुके हैं सड़कों पे, वो ये सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी जाएगी। जी हाँ भाई बहनों, उन लोगों की नौकरी जाना तय है, भारत सरकार ने साफ साफ कह दिया आपने भारतीय जनता को बेवकूफ बनाया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपके पैसे का आखिर क्या होगा, भाई बहनों आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा जिस भी बैंक में है वो सुरक्षित है, बस आप लोगों को कुछ कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी। कैसी कागजी कार्रवाई, आपको बता दें, जैसे आपका बैंक उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए सिंडिकेट बैंक है, सिंडिकेट बैंक जो है अब पंजाब नेशनल बैंक के अंतर्गत गिना जाएगा, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वापस से अपने आधार कार्ड, अपना आप पासपोर्ट है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आधार कार्ड, जितना भी आपके पुराने डॉक्यूमेंट हैं, आपके पक्के डॉक्यूमेंट हैं, पक्के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट हैं, ये आपको ले जाना, आपका नया चेकबुक, आपकी नया पासबुक, आपका नया ATM कार्ड, सब कुछ इशू किया जाएगा। अब ये भारत सरकार लिस्ट जारी करेगी कौन सा जो बैंक है वो किस बैंक के अंतर्गत आएगा, मतलब भारत सरकार सिर्फ बैंकों को मर्ज करेगी, इसमें जो घोटालेबाज कर्मचारी हैं, घोटालेबाज बैंक मैनेजर MD हैं, इनके खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई करेगी मोदी सरकार। मोदी सरकार ने साफ साफ कह दिया है ये सरकार सिर्फ गरीबों की सरकार है, जितने भी गरीब लोग हैं उनकी हम मदद करने के लिए